गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी केवीएन पांडे ने शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए कोविड 19 वार्ड का किया निरीक्षण। बैठक कर कोविड अस्पताल में रविवार से मरीज भर्ती करने के दिए निर्देश। एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी बांसगांव कार्यालय सहित सर्किल के बांसगांव और बेलीपार थाने का किया गया औचक निरीक्षण। कार्यालयों में रखी गई फाइलों के रखरखाव का लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य अध्यापक पुरस्कार को जीतकर प्राथमिक स्कूल सिकटौर खोराबार की सहायक शिक्षिका श्वेता सिंह ने बढ़ाया गोरखपुर का मान। लीग से हटकर विभिन्न तरह के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देकर बनाई अपनी अलग पहचान, गोरखपुर न्यूज की स्पेशल स्टोरी। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बीज उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, जैव उर्वरक, गुड़ उत्पादन, खाद प्रसंस्करण और बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में काम करने के लिए होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के बीच एक समझौता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर के वी राजू और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच हुई बैठक में बड़ी सहमति। महानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाया जा रहा है कोरोना जांच शिविर। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने लोगों से की अपील, कहा शिविर में पहुंचकर कराएं निशुल्क कोरोना जांच। एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम पुलिस चौकी पर नव निर्मित वातानुकूलित आगंतुक कक्ष का किया गया उद्घाटन। वृक्षारोपण कर वातावरण को स्वच्छ रखने के दिए निर्देश। अनलॉक में अनुमति मिलने के बाद खुलने लगे सभी होटल। ठहरने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जांच कर ही दी जा रही है एंट्री। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का किया जा रहा अनुपालन। गोरखपुर में शनिवार को कोरोना के मिले 296 नए संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 12,690, एक्टिव मरीज हुए 3,088। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत महानगर के 39 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम।